एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर कोतवाली थाना अंतर्गत महाकाली चौराहा के पास फुटेरा बाड़ में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। चौरसिया और ठाकुर परिवार के बीच हुए संघर्ष में आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। इनका ये घर के आमने सामने रहते हैं और चौरसिया परिवार और ये ठाकुर परिवार, इनमें आपस में मारपीट हुई है। दोनों पार्टियों ने पथराव भी किया है आपस में और दोनों पार्टियों के परिजन हैं उनको चोट भी लगी है। अस्पताल में भर्ती हैं, अभी इलाज चल रहा है और जैसी भी ये लोग रिपोर्ट लिखाएंगे उस पर से जो भी वैधानिक कार्रवाई वो कर रहे हैं। सर, दोनों पक्ष से कितने लोग घायल हैं? अलग अलग करीब 7-8 लोग घायल हैं। प्रथम दृष्टया अभी ये सामने आया है, कुछ लोग, एक दो लोग थाने में भी गए। गंभीरता से जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।